नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूँ बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताजा तरीन सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। दिल्ली में जानलेवा हुई गर्मी, बीते 72 घंटों में हीट वेव से 5 लोगों की हुई मौत, 51 डिग्री पहुंचा हीट इंडेक्स। राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात SSF जवान की गोली लगने से हुई मौत, गोली की आवाज से मंदिर परिसर में मचा हड़कंप, हथियार से मिस हैंडलिंग से फायरिंग हुई। असम में आई भीषण बाढ़ से अब तक 20 से ज्यादा लोगों की हुई मौत, 15 जिलों में 1,61,000 से ज्यादा लोग हुए प्रभावित, करीमगंज जिले की हालत ज्यादा गंभीर। हरियाणा में कांग्रेस को झटका, MLA किरण चौधरी BJP में हुई शामिल, पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप, कल ही छोड़ी थी कांग्रेस पार्टी। इंडिगो की चेन्नई मुंबई फ्लाइट में मिली बम की धमकी, मुंबई एयरपोर्ट पर कराई गई सेफ लैंडिंग, 22 दिन में एयरलाइंस के विमान में ऐसा ये तीसरा मामला। वहीं बात करें शेयर बाजार की तो सेंसेक्स ने 77,623 और निफ्टी ने 23,630 का लेवल छुआ। एक बार फिर टाटा मोटर्स ने बढ़ाए कमर्शियल गाड़ियों के 2% तक दाम, 1 जुलाई 2024 से लागू होंगी नई कीमतें। ताबड़तोड़ गर्मी में भड़की महंगाई की आग, आसमान छू रहे सब्जियों के दाम, हरी मिर्च 100 रुपए किलो पहुंची तो धनिया 200 से पार, सब्जियां खरीदने में लोगों के छूट रहे पसीने। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। हरियाणा में लगा कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका। दरअसल हरियाणा की कांग्रेस विधायक किरण चौधरी व उनकी बेटी पूर्व सांसद श्रुति चौधरी आज भाजपा में शामिल हो गई हैं। दिल्ली में उन्होंने पार्टी का दामन थामा। इस दौरान हरियाणा के CM नायब सैनी, पूर्व CM मनोहर लाल खट्टर समेत भाजपा के बड़े नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि किरण और श्रुति चौधरी ने मंगलवार को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे इस्तीफे के पीछे किरण ने लिखा है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हरियाणा में कांग्रेस को व्यक्तिगत जागीर के तौर पर चलाया जा रहा है। इसमें मेरी जैसी ईमानदार आवाज़ों के लिए कोई जगह नहीं है। मेरे जैसे लोगों को बहुत ही सुनियोजित तरीके से दबाया जाता है। साथ ही लिखा, अपने लोगों को प्रतिनिधित्व करने और मूल्यों को बनाए रखने के लिए मेरे प्रयासों में बाधा उत्पन्न की जा रही है, मगर अब ऐसी बाधाओं की वजह से काम करने में असमर्थ हूँ। दरअसल बताते चले कि किरण अपनी बेटी श्रुति के लिए भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस से टिकट मांग रही थी, मगर पार्टी ने उनकी जगह महेंद्रगढ़ से कांग्रेस विधायक राव दान सिंह को टिकट दिया। हालांकि चुनाव में उनकी हार हुई। उसके बाद राव दान सिंह ने बिना नाम लिए चौधरी पर भीतरघात का आरोप भी लगाया था। वहीं किरण चौधरी के इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि किरण चौधरी की नाराजगी स्वाभाविक है, उन्हें मनाना चाहिए। दरअसल शैलजा ने कहा कि प्रदेश प्रभारी के भूमिका अच्छी नहीं है। बता दें सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि किरण चौधरी की नाराजगी जो है जायज है, उनको मनाना चाहिए, मैं उनके संपर्क में हूँ। साथ ही कहा, जिस हिसाब से टिकट वितरण हुआ उससे लगता है कि उनका टिकट काटने के लिए ही ऐसा किया गया है। श्रुति चौधरी भी पूर्व सांसद रही हैं, उन्हें नज़रअंदाज करना ठीक नहीं। बता दें कि कुमारी शैलजा ने प्रभारी की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश प्रभारी की भूमिका अच्छी नहीं रही। वही बिना नाम लिए पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि दूसरे दलों के या असक्रिय लोगों को जोड़कर क्या साबित करना चाहते हैं, अपनी पार्टी को संभालना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। विधानसभा चुनाव से पहले ही टिकट दिए जा रहे हैं, ऐसे पार्टी नहीं चलती। फरीदाबाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर रावत के नेतृत्व में निट पेपर लीक व धांधली के खिलाफ प्रदर्शन किया और जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी में निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारी व सभी कार्यकर्ता शामिल हुए। दरअसल जिला अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर रावत ने कहा कि देश की सबसे महत्वपूर्ण मेडिकल परीक्षा NEET की रिजल्ट में हुई गड़बड़ी ने देश के लाखों बच्चों का भरोसा तोड़ दिया है। वहीं BJP सरकार में देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा पर भी सवालिया निशान लगाए गए हैं। लाखों बच्चों और अभिभावक इसकी वजह से मानसिक तनाव में हैं। 1583 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए और कई जगह से परीक्षा में गड़बड़ी की खबरें आने पर देश के लाखों बच्चों का भविष्य खतरे में है। 24 लाख बच्चों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। वहीं बताते चले कि इस मौके पर गजराज चौहान, सचिन बंसल, इंद्र सिंह,
बड़ गुज्जर, संदीप तेवतिया, संदीप डागर, कुंवर राजेश, राजकुमार, धर्मेंद्र गहलोत, प्रेमचंद, चरण सिंह, सीताराम चौधरी, पार्थ रावत, सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। फरीदाबाद में अरावली में कटेंगी 700 फार्म हाउस की बिजली। दरअसल भू माफियाओं ने अरावली वन क्षेत्र के खोरी में स्थित नगर निगम की जमीन को बेचकर पूरी कॉलोनी बसा दी थी। यहां 5000 से ज्यादा अधिक छोटे छोटे मकान बनाए जा चुके थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जून 2021 में करीब 80 एकड़ में बसी पूरी खोरी कॉलोनी को तोड़ने का आदेश दे दिया था। इसके बाद पूर्व विचार याचिका दायर की गई थी, जो अब अरावली वन क्षेत्र में अवैध रूप से बने 700 से अधिक फार्म हाउस ध्वस्त किए जाएंगे। बताते चले कि इस क्रम में प्रदेश सरकार ने बिजली निगम को इस फार्म हाउस का बिजली कनेक्शन काटने का आदेश दे दिया है। अब 20 टीमें गठित कर बिजली निगम कार्रवाई करेगा। वहीं वन विभाग के मुख्य वन संरक्षण अधिकारी इस मामले को लेकर नगर निगम, जिला प्रशासन और वन विभाग के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर चुके हैं। वहीं बिजली कनेक्शन काटे जाने के बाद अवैध फार्म हाउस को ढाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट को आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। वहीं बात करें हरियाणा के मौसम की, तो हरियाणा के लोगों को जल्द ही बारिश से राहत मिलने वाली है। मौसम करवट लेने वाला है और अगले दो दिन में धूल भरी आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है। इससे लोगों को काफी राहत मिलने वाली है। वहीं लू का प्रकोप भी कम होने वाला है। मानसून ने तेज गति से रफ्तार पकड़ ली है। लंबे इंतजार के बाद मानसून ने फिर गति पकड़ी है। देश के दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिमी दोनों हिस्सों में चार चक्रवर्तीय स्थिति बन चुकी है, जहां से बड़ी मात्रा में नमी लेकर हवा आगे बढ़ रही है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि नमी युक्त हवा सप्ताह भर के भीतर उत्तर पश्चिम के एक बड़े हिस्से को बारिश से सराबोर कर सकती है। पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एवं राजस्थान के कई हिस्सों में कल तक वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार सेंट्रल पाकिस्तान और पंजाब के ऊपर चक्रवर्ती हवा का क्षेत्र बन रहा है। वहां से एक निम्न दबाव की रेखा हरियाणा तक आएगी। इसके असर से हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम करवट लेगा। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।